ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त दिल्ली की स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि हर जगह आपको कूड़े का अंबार नजर आ रहा होगा। वजह सिर्फ एक ही है कि एमसीडी कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो जारी है। बीते 7 जनवरी को ये हड़ताल जारी हुई थी और शुरू हुई थी, और अभी ये हड़ताल बिल्कुल अभी भी जारी है, क्योंकि सीधे तौर पर कर्मचारियों को यही कहना है कि जब तक इस बार वेतन नहीं मिलेगा तो काम नहीं किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं पुनीत गुप्ता, उनसे हम अपने मैं चाहूँगी हमारे साथ जुड़े और उनसे हम बात करेंगे। तो पुनीत जी, मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बताएं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर करी हैं, कई जो हड़ताल है वो कवर करी है, प्रदर्शन कवर करे हैं निगम कर्मचारियों के। आक्रोश क्यों है इस बार? देखिए डिम्पल जी, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कर्मचारियों की सिर्फ एक मांग नहीं है, कर्मचारियों की कई सारी मांगें। कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें यह होता है कि कई सारी मांगें और भी लगा दी जाती है साथ में, कि ये भी काफ़ी सालों से रुकी आ रही तो इसको भी निपटा लेते हैं। अब एमसीडी जो कि जो हड़ताल है, कर्मचारी की हड़ताल, वो ऐसा नहीं कि इसी बार हो रही है। आप हर साल देखिए, हर साल तनख्वाह को लेकर आप हर साल देखते होंगे कि आज कूड़ा यहाँ सड़कों पर फेंक दिया एमसीडी के कर्मचारी ने, काम नहीं कर रहे हैं, तो हर साल होती रहती है। समस्या इतनी विकराल है कि आप एक मोबाइल की दुकान पर जाएगा एमसीडी का कर्मचारी तो उसको मोबाइल फाइनेंस नहीं किया जाता, अगर वो कोई लोन लेने जाएगा तो उसको लोन नहीं दिया जाता, क्योंकि एमसीडी के लोगों को भी पता है, फाइनेंस कंपनी को पता है कि इनकी तनख्वाह आज आ रही है, कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी, कोई टाइम नहीं है। तो दिक्कतें इतनी है उनकी कि उनका जो आत्मविश्वास है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। कहीं पर कुछ सामान नहीं खरीद सकते, अपने बच्चों के लिए मोबाइल नहीं खरीद सकते, मोबाइल फाइनेंस नहीं हो सकता, कोई और आइटम वो नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर थप्पा लग चुका है एमसीडी कर्मचारियों के ऊपर कि इनकी जो तनख्वाह है वो समय पे नहीं आएगी। बिल्कुल, सिविल खराब हो गया है, जो कर्मचारी उनका सिविल इतना खराब हो गया है कि अब वो सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। उधार देने से जो बनिया लोग हैं उन्होंने मना कर दिया है। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि कुछ लोगों ने, जो निगम के कर्मचारी हैं, चाहे उसमें टीचर्स हों, चाहे नर्सिस हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, उन्होंने हमसे ये भी बात साझा की कि कुछ लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए अपना घर चला रहे हैं। पुनीत जी, बहुत दुखद है कि यूं तो कहने को वो सरकारी नौकरी में, सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनका सिविल इतना ख़राब हो चुका है, उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि एक तो उन्हें उधार नहीं मिल रहा, और दूसरी बात, जो क्रेडिट कार्ड से भी अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको वो भी मिलना बंद हो गया। देखिए, हर कोई बच्चा पढ़ाई करता है, एक सरकारी नौकरी का सपना भी रखता है। एमसीडी जैसे महकमे में नौकरी मिलना एक सरकारी नौकरी मानी जाती है, ठीक है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, नर्सिंग का विभाग हो, या फिर आप ये देखिए कि कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, मतलब सरकारी नौकरी है एक आपको। और सरकारी नौकरी होने के बाद भी आपके जो आसपास के लोग रहते हैं वो ये मानते हैं कि सरकारी नौकरी पे आदमी निकलता है, सुबह निकलता है, शाम को आता है, कुछ काम करता है, लेकिन उसके अंदर की बात देखिए, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आप कह रहे हो कि क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड भी कब तक आपको वो देगा, फाइनेंस करेगा? क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मंगोलपुरी में कुछ एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो किताबें बेच रहे हैं, जैकेट्स बेच रहे हैं, सर्दी में भीख मांगने का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो समस्या इतनी विकराल है। मैंने कुछ टीचर्स से बात की, जो टीचर्स हैं, महिला टीचर है, वो कह रहे कि हमारे हस्बैंड के, मतलब कि मैं खुद ही कमाने वाली हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, और दिक्कतें इतनी है कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसा मांग रही हूँ घर चलाने के लिए, और कहने को मैं सरकारी नौकरी पे हूँ। तो ये समस्या किसी और स्टाफ में और डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है, एमसीडी में डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर सरकार का यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ लोग, जो आपने बात बताई मैं उससे बिल्कुल बिल्कुल वाकिफ हूँ, और मैं इस चीज़ को भी बताना चाहूँगी, कुछ महिला टीचर्स ने हमारे सामने ये बात रखी थी कि मैं भी एक एमसीडी की कर्मचारी हूँ, यानी कि एमसीडी की टीचर हूँ, अध्यापिका हूँ, और ऐसे ही जो उनके पति हैं वो भी एमसीडी के महकमे में काम करते हैं, वो भी टीचर हैं। ऐसे में जब दोनों की तनख्वाह घर पे नहीं आ रही, अगर एक एक की सैलरी आ रही होती, एक की नहीं आती, तब भी एक बार को जो गाड़ी है वो चल रही होती। लेकिन यहाँ पर दिक्कत परेशानी इस बात की है कि जो टीचर्स हैं, जिनके दोनों ही, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर एक ही महकमे में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए समस्या कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा समस्या तब बढ़ रही है जब उनके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं। उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि अगर हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनकी हम देखरेख कैसे करें, दवाई भी उनको हमें दिलवानी है समय से, उनको अस्पताल भी लेकर जाना है, उनकी और भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है, हमारे खुद के बच्चे हैं जिनकी जो फीस है वो हमें देनी है, और जो उनकी ज़रूरतें हैं वो भी हमें पूरी करनी है। लेकिन जब पैसा नहीं है तो कैसे सुविधा पूरी कर पाएंगे? दिवालिया हो गए हैं वो, तो पैसा नहीं है। ये देखिए, ये तो मान के चल रहे हैं कि पैसा नहीं है। अब एक एग्जांपल के तौर पे काम करते हैं, आप जिसके एम्प्लॉई हैं, जो हमको तनख्वाह देते हैं, अगर हम उनके पास तनख्वाह मांगने जाए, वो ये कहे कि भैया मेरा पैसा किसी और एक आदमी के पास फंसा है, वहाँ से ले लो, तो आपको क्या सही लगता है? सही है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप तो उसके काम उससे पैसे मांग रहे हैं जिसके आप एम्प्लॉई है। बिल्कुल। तो एमसीडी कर्मचारियों का कल भी आप रोहिणी जोन पे जो पूरा घेरा हुआ वहाँ पे भी हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि हम एमसीडी के एम्प्लॉई है तो हमें तनख्वाह मांगने का हक एमसीडी से है, हमें नहीं पता कि दिल्ली सरकार दे या ना दे या लेके आए ना लेके आए, हमें क्यों घुमाया जा रहा है। फिर वो ये भी बात करें कि हमें ये भी पता है कि दिल्ली सरकार ने दिसंबर तक का पैसा रिलीज कर रखा है, फिर हमें पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। एमसीडी जब दिल्ली सरकार आई 2014 में जब आई तो जो है बजट बढ़ा है, एमसीडी को हमेशा पैसा ज़्यादा दिया गया है, तो उसके बाद 13,000 करोड़ की फिगर क्यों रुक गई। तो यहाँ पे 13,000 करोड़ का जो मामला है इसमें हम मैं पुनीत आपको ये बताना चाहती हूँ, 13,000 करोड़ तीनों एमसीडीओ के मिलाकर हैं, लेकिन जब हम मेयर से बात करते हैं जेपी जो कि नॉर्थ एमसीडी के मेयर है जेपी जी से हम बात करते हैं तो उनका कहना है अगर हम ये फिगर अब नहीं बोलते यानी 13,000 करोड़ वाली बात अगर हम नहीं बोलते तो ये लोग कह देंगे कि हम झूठे थे, इसलिए वो अपनी बात पर अडिग हैं कि 13,000 करोड़ उनको लेने हैं। वहीं पर जो 2,500 करोड़ का मामला है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि एक ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन होने के बाद अगर पैसा गमन होता है तो उसे घोटाला या घपला माना जाता है, लेकिन जो 2,500 करोड़ की ये बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, आपसी समझौते के अंदर उन्होंने इस बात को वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया। उनको उन्होंने कहा था कि साउथ एमसीडी से हमें अपना किराया लेना चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि हम किराया नहीं लेना चाहते। यही चीज़ है ना, समझने की बात है कि आम आदमी पार्टी ये एक बात कह रही है कि अगर किसी के माली हालत ख़राब है, मुझे किसी का पैसा देना है, ठीक है, मुझे किसी को 10 रुपये देने हैं और मुझे कहीं से 10 रुपये आने भी है तो मैं उसको छोड़ूंगा क्या, मैं माफ़ कर दूंगा क्या, दरियादली दिखाऊंगा क्या कि छोड़ो कोई बात नहीं, वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले कर्जा है, मैं 13,000 करोड़ पर तो उनसे मांग रहा हूँ और मुझे जो 2,500 करोड़ आप मैंने आने हैं उसको मैं ठुकरा रहा हूँ, किस बिहार पे ठुकरा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ एमसीडी की जो स्थिति है मैं आपको बता दूँ इतनी अच्छी नहीं है, बेहद ख़राब स्थिति है, क्योंकि नॉर्थ एमसीडी के लगभग सभी महकमे में चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो सफाई कर्मचारी हो नर्सिंग स्टाफ हो डॉक्टर हो किसी की भी सैलरी नहीं पहुँची है। ऐसे में अगर 2,500 करोड़ रुपये नॉर्थ एमसीडी अगर माफ़ करती है साउथ एमसीडी से तो ये बहुत बड़ी एक समस्या का विषय है, क्योंकि किसी भी तरह से रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी अगर साउथ एमसीडी से आप किराया नहीं लेती है नॉर्थ एमसीडी तो वो कभी भी इस जो सिविक सेंटर है जिसमें वो काम कर रही है बैठी हुई है वो आने वाले 20 सालों तक उसको खाली नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा विषय है। अगर आपको चाहते हो कि साउथ एमसीडी अपनी कोई बिल्डिंग बनाए वक्त से पहले और वहाँ पर जाए शिफ्ट हो जाए ताकि जो यहाँ पर पढ़ने वाला बर्डन है उसे कम किया जाए, ऐसे में साउथ एमसीडी से किराया लेना चाहिए। अगर आप किराया लेंगे तो उनके ऊपर भी दबाव बनेगा कि वो अपनी जो बिल्डिंग है उसको जल्दी संख्या लेते तो कम से कम एक विभाग के कर्मचारी को तो पैसा दिया जा सकता है ना। अभी देखिए कितने सारे ये सारे के सारे एमसीडी देखिए वो यूनिट होती है जो सबसे निचले स्तर पर काम करती है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हो चाहे सफाई कर्मचारी हो, कोरोना काल में सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया। जो टीचर्स है उनसे भी खाना डोर टू डोर गए हैं टीचर्स, खाना भी दिया है उन्होंने और स्वास्थ्य विभाग ने जो है अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, मोहल्ला क्लिनिक में रही हो या फिर सॉरी महिला एमसीडी के जो निगम स्कूल है उसमें रही हो, हर एक तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन इन्हीं को ही पैसा नहीं दिया जा रहा। दिल्ली सरकार के भी समझ लीजिए और भारत सरकार के भी और बड़े बड़े वो विभाग होते हैं जिन्होंने इतना पूरा काम नहीं किया, कितने मंत्रालय होते हैं लेकिन उनको तनख्वाह पूरे समय पर मिली है, ऐसे में उन लोगों को इतना अपना को खुद इतना फील होता है कि हमने ऐसा क्या किया, हमने पूरा काम भी किया सब कुछ किया लेकिन वो तनख्वाह नहीं मिल पा रही। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मामला सिर्फ तनख्वाह का नहीं है, क्योंकि निगम कर्मचारी सिर्फ तनख्वाह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से निगम के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन वो अभी भी कच्ची नौकरी कर रहे हैं, यानी कि अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया है, ऑन रोल नहीं हुए हैं। ऐसे में उनकी डिमांड है कि जो लोग पिछले 10 साल 20 साल 15 साल से निगम के अंदर काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाए, उनका जो अलायंस है वो उनके पूरे किए जाएँ, स्वास्थ्य से संबंधी जो वो चाहते हैं जितनी भी उन सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि पेंशन धारक जो भी हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने एमसीडी को अपने जीवन के काफ़ी लंबा समय जो दिया है वो भी इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, तो समस्या एक नहीं है, समस्या दिवाली का बोनस भी रुका हुआ है उनका, जो कर्मचारी बता रहे हैं, इनका एरियल भी रुका हुआ है, 5 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, पेंशन रुकी हुई है, ठीक है, अस्थाई को स्थाई नहीं किया जा रहा। मेरी एक कल एक कर्मचारी से बातचीत हुई जिन्होंने बताया कि 16 साल हो गए उसे काम करते हुए, निगम को 16 साल दे दिए हैं लेकिन अभी तक पक्के नहीं किए गए, वो कह रहे हैं कि क्या हमारे मर जाने के बाद हमें दिया जाएगा या फिर हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें पक्का किया जाएगा, कब दिया जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हैं जो अब जो यूनियन है कर्मचारियों की सारी समस्याओं को एक साथ लेके आई है कि तनख्वाह का तो विषय है ही है, बाकी जो 5 महीने की तनख्वाह हो गई, दिवाली बोनस हो गया,
इनका जो भी समस्या रुकी हुई अस्थाई का हो गया वो सब के साथ निमटनी चाहिए। समस्या देखिए एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली ये भी है और विषय ये भी है कि जो निगम ये कह रहा था पिछले काफ़ी समय से कि हमारे पास पैसा नहीं है इस वजह से हम तनख्वाह नहीं दे सकते, आज उस निगम के पास अचानक से पैसे आ जाते हैं, रातों रात जो ट्रांसफ़र है वो हो जाती है जो सफाई कर्मचारी है उनकी सैलरी। ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाया, यानी कि हम विकास गोयल की अगर बात करें, नेता विपक्ष हैं नॉर्थ एमसीडी के अंदर, उन्होंने सीधे तौर पर यही सवाल उठाया था कि एक रात में इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, कल तक तो ये बोला था इनके पास पैसा नहीं है। ऐसे में नियत के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं मेयर ने ये भी बात कही थी और बड़ा एक इशारा किया था कि भारत सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसके बाद से सभी उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है कुछ राहत कर सकती है निगम के अंदर, लेकिन कब करेगी कैसे करेगी वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि फल मंडी जो कि आज़ादपुर की मंडी है वहाँ पर मेयर पहुँचे थे, क्योंकि वहाँ पर भी प्रदर्शन कर रहे थे निगम के कर्मचारी, तो वहाँ पहुँचे तो सीधे तौर पर उनके फेस पर ही वापस जाओ मेयर साहब के नारे लगे और बहुत शर्मनाक ये बात थी कि आप के साथ खड़े होने की बात भी कर रहे हैं, कर्मचारी साथ ही आपको यहाँ से भगा भी रहे हैं। कल रोहिणी जोन के बाहर भी देखिए अपने ऐसी तरीके से प्रदर्शन देखा जहाँ पे मेयर का एक पुतला जलाया गया, दिल्ली सरकार का पुतला नहीं जलाया था, मेयर जो एमसीडी के मेयर हैं उनका पुतला जलाया गया, उनके मुर्दाबाद के नारे लगे। कर्मचारियों को देखिए हम भी अगर ये डिस्कस करें तो निष्कर्ष यही निकलना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, चाहे राजनीति चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये निचले स्तर के लोग हैं। देखिए जो हम एक कर्मचारी जो सफाई करते हैं उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनकी तनख्वाह कितनी है यार, फोर्थ ग्रेड वो तनख्वाह श्रेणी में आते हैं, अगर उनकी भी तनख्वाह रोकी जाएगी तो घर कैसे चलाएंगे। बिल्कुल, तो यही हम यहीं पे अपनी जो चर्चा है वार्तालाप है इसको यहीं पे हम विराम देते हैं, क्योंकि ये विषय इतना लंबा है इतना गंभीर है कि इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। हम ऐसी चर्चा लगातार और भी करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, पुनीत गुप्ता के साथ, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर